कन्फ्यूजन नहीं था कि धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए। मैं फर्मली मानता हूं कि धारा 370 से देश का भला नहीं हुआ, कश्मीर का भला नहीं हुआ, बहुत पहले हटनी चाहिए थी। एज अ होम मिनिस्टर मेरे मन में जरा भी कन्फ्यूजन नहीं था कि धारा 370 के बाद क्या होगा। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर आतंकवाद की समाप्ति होगी और कश्मीर विकास के रास्ते पे आगे बढ़ जाएगा। परंतु बिल पायलट करते वक्त मेरे मन में बहुत आशंकाएं थी कि जब मैं बिल लेकर जाऊंगा तब राज्यसभा कैसे चलेगी, क्योंकि राज्यसभा में हमारा पूर्ण बहुमत नहीं है। फिर भी मैंने तय किया था कि बिल पहले राज्यसभा में हम लेकर जाएंगे, उसके बाद लोकसभा में लेकर जाएंगे। और जैसे यहां गोपीचंद जी ने उल्लेख किया, आंध्र के विभाजन का दृश्य आज भी देश की जनता के सामने था। मुझे मन में थोड़ा आशंका था कि कहीं ऐसे अगली दृश्य का मैं भी तो हिस्सेदार नहीं बनूंगा। ये भाव के साथ, ये डर के साथ मैं राज्यसभा में खड़ा हुआ। वेंकैया जी की कुशलता का ही परिणाम है कि सभी विपक्ष के मित्रों को सुनते 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 इस बिल को डिवीजन तक कहीं भी कोई ऐसा दृश्य खड़ा नहीं हुआ जिसके कारण देश की जनता को ये लगे कि ऊपरी सदन की गरिमा नीचे आई है और ये बिल जो मत पक्ष में थे विपक्ष में थे इसकी गिनती कर ये बिल पारित हुआ। मैं वेंकैया जी की सदन के संचालन की कुशलता को आज भी ये मंच पर से इसको एक्नोलेज करना चाहता हूं, इसका अनुमोदन करना चाहता हूं। आज एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से ये बात दोहराई है कि 370 के हट जाने से कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट होगी, और उन्होंने ये कहा कि उनको पूरी तरह से पता था कि 370 ही जो है एक आतंकवाद की प्रमुखता जड़ है कश्मीर के अंदर। उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि कहीं ना कहीं आतंकवाद जो है 370 की शील्ड लेकर पनप रहा था कश्मीर के अंदर। आप लोग देखते रहे जेके मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए जय हिंद।